हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंट्रल लैंड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं अभी हमारा एक सिंगल बिल्डिंग टावर का टॉप फ्लोर पे हूँ, यानी कि टेरिस में हूँ, और आप लोग व्यू देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त व्यू देखने के लिए मिल रहा है। माथेरन का खुला हवा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा फिजा, बहुत ही अच्छा माहौल पे मैं बैठा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक लो बजट प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन दे दूँ आज, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बजट कम है, फ्लैट नहीं बाई कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे टावर्स में, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स में, टाउनशिप प्रोजेक्ट में नहीं जा पा रहे हैं, लोन नहीं बैठ रहा है, ईएमआई देने का इतना ताकत नहीं है, और सस्ता में फ्लैट देख रहे हो, वो भी लीगल प्रोजेक्ट में। आप लोगों को मैं यहाँ पर लीगल इसके लिए बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग सस्ता का चक्कर में जाके इलीगल कॉम्प्लेक्स में, इलीगल बिल्डिंग में फ्लैट लेते हैं, और बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लीगल प्रोजेक्ट में अगर आप लो बजट में देखेंगे तो आपको कम से कम 17-18 लाख में 1 BHK मिल जाएंगे। तो वैसे ही एक बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं। बिल्डिंग जो है ये नेरल वेस्ट लोकेशन है, ममदापुर का अंदर है, और आजू बाजू में आप लोगों को यहाँ पर 2-3 मिनट डिस्टेंस पर मस्जिद मिलेगा। यहाँ पर बिल्डिंग को सामने लग कर आपको इकरा इंग्लिश स्कूल मिलेगा, और फिर यहाँ से अगर 500 मीटर जाएंगे तो ये सामने दिख रहा है दिलकप इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और बिल्डिंग में लिफ्ट का भी सुविधा है, बिल्डिंग है ऑब्वियसली स्टेयरकेस तो रहेगा ही, छोटी मोटी पार्किंग भी है, और मेन रोड टच प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग का नीचे कमर्शियल शॉप्स भी है, और 7 माले का सिंगल स्टैंड अलोन टावर है। इसके लिए आपका रेट थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप टाउनशिप प्रोजेक्ट में उतना स्क्वायर फीट का, 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेने जाएंगे तो आपका उसी एरिया में ही फ्लैट का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो टाउनशिप प्रोजेक्ट होता है, उसका अंदर सारे एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया सब कुछ मिल जाती है, उसके लिए कॉस्टिंग बढ़ता है। तो अगर आप लो बजट में सस्ता में देख रहे हो, लीगल कॉम्प्लेक्स में लोन भी हो जाए, ईएमआई भी कम आए, आपका डाउन पेमेंट भी कम हो, 1-1.5 लाख भर के और 15-16 हज़ार ईएमआई भर के फ्लैट लेना चाहते हो, तो ये वीडियो का जो नंबर है ना उसमें कॉल करो, बात करो, और विजिट करने के लिए आ जाओ, फ्लैट देख लो, और टोकन अमाउंट दे दो सीधा सीधा। और टोकन अमाउंट देने के बाद जब आपका लोन होएगा, लोन का सैंक्शन लेटर आपका हाथ में मिलेगा, तब आप डाउन पेमेंट देना जो भी आप 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख देना चाहते हो। बात हो गई क्लियर। अभी बात करते हैं बिल्डिंग का। बिल्डिंग 7 माले का बिल्डिंग है। इसका अंदर एक एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेगा आपको, एक लिफ्ट है, एक स्टेयर केस है, और 2 एंट्रेंस गेट भी है। नीचे कमर्शियल शॉप से 5-6 आप लोगों को सारे जरूरत के सामान ऑब्वियसली मिल जाएंगे, और रिक्शा स्टैंड यहाँ से 3-4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ओल्ड ममदापुर का, और न्यू ममदापुर जो दिलकप इंजीनियरिंग कॉलेज रोड है वहां पर भी रिक्शा स्टैंड है, वो भी 5-6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और नेरल स्टेशन का बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये सामने स्टेशन दिख रहा है, और नेरल का डेवलपमेंट भी आप देख सकते हो कितना तेजी से डेवलपमेंट हो चुका है नेरल का, और बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे टावर्स बन रहा है, कंटिन्यू चालू है। आने वाले 4-5 साल में आप लोगों को यहाँ पर तो फ्लैट मिलेगा ही नहीं, और रिसेल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो नेरल स्टेशन यहाँ से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर 10 से 12 मिनट आप लोगों को लगने वाला है। अगर बिल्डिंग का वर्क कंप्लीशन का बारे में बात करें तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी 2-3 महीने 4 महीने का अंदर पोजेशन मिलने वाला है, क्योंकि व्हाइट वॉश हो चुकी है और इंटरनल अभी टाइल्स लादी वगैरह का काम चालू हो चुका है, तो इसके लिए बहुत जल्द पोजेशन मिल जाएंगे। तब तक आपका लोन वगैरह हम कम्प्लीट कर लेंगे, आपका फाइल वगैरह ITR वगैरह बना लेंगे, और लोन सेंक्शन करके एग्रीमेंट कर देंगे, तब तक चाबी देने का टाइम भी आ जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं सैंपल फ्लैट नीचे उतर के। तो ये टोटल फ्लैट का एरिया है, 600 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया। कारपेट आप लोगों को 390-400 तक कारपेट मिल जाएगा। और बजट का बात करें तो 220 लाख का अंदर आप लोगों को ये फ्लैट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है 18 लाख में भी हम दे दें। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना। अगर आप लोन के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको इस फ्लैट के लिए 1-1.5 लाख रुपए आपका डाउन पेमेंट होनी चाहिए, और आपका मंथली ईएमआई जो है वो 15-16 हज़ार ही आएगा। आपका अगर ITR वगैरह नहीं है, आपका कैश सैलरी आता है, तो भी आप कांटेक्ट करना, होपलेस मत होना, हम कोशिश करेंगे आपको लोन करके देने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा और हमारा काम पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।